Has gained in the market, and I believe the energy will be encashed into the business in the months to come. So my session today is DXNN India. It is not about any product, it is not about a marketing plan, our company ki bare mein bhi nahi hai. Kiske bare mein? India aur DXN ke bare mein. और इंडिया और डीएक्सएन के बारे में ये जो स्टोरी है, ये जो मैं बताना चाहता हूँ, डीएक्सएन का जो कहानी, डीएक्सएन का जो सफल का जो राज था, जो सीक्रेट था डीएक्सएन का जो सक्सेस, उसके पीछे जो कहानी है, वो कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू वांट टू ग्रो लाइक डीएक्सएन, अगर आप डीएक्सएन जैसा बनना चाहते हो, डीएक्सएन से जरूर यह सीखना चाहिए डीएक्सएन कैसा बड़ा. डीएक्सएन शुरुआत में इतना बड़ा नहीं था. डीएक्सएन जब शुरू हुआ था बहुत एक छोटी सी ग्राम से, एलोस्टार करके एक बहुत छोटा सा जगह था, वहां से शुरू हुआ था, उसकी कहानी आपको पता है. सो नाउ लेट अस गो इनटू डीएक्सएन स्टोरी, डीएक्सएन ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ. यस्टरडे मैं आपको बताया था ये स्ट्रेटेजी, ये डेटा आपको साथ शेयर किया था, डीएक्सएन कैसा ग्रो हो रहा है. डीएक्सएन कितना ग्रो हो रहा है हर साल? 20%. इंडिया 30% ग्रो हो रहा है और डीएक्सएन इंडिया, सो डीएक्सएन इन द वर्ल्ड इट इज ग्रोइंग 20%. लास्ट ईयर अलोन डॉक्टर लिंडे शेयर किया था, डीएक्सएन हैज ग्रोन इन द वर्ल्ड 42%. नॉट ओनली इंडिया, अगर पूरा वर्ल्ड का देखिए, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग इज एन एवरेज, बट लास्ट ईयर अलोन वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ईयर फॉर डीएक्सएन. एंड वी बिलीव बिकॉज लास्ट ईयर में उतना खासियत कुछ नहीं था, बट फिर भी 42%, इट वॉज ए ग्रेट नंबर. और ये साल जो है डीएक्सएन के लिए पूरा खासियत की साल है, बिकॉज 2020 इज द डीएक्सएन ईयर, बिकॉज 2020 हमारा सिद्धिपेट फैक्ट्री ओपन होने वाला है, बहुत बड़ा ग्रोथ होने वाला है. अगर हम बात करेंगे तो मेरी समझ में ये आ रहा है, डीएक्सएन का जर्नी 2020 से ही शुरुआत हो रहा है. Yes. अभी जो हुआ था ट्रेलर था, रियल जो पिक्चर है ये 2020 से ही होगा, जब डीएक्सएन या फिर सिद्धिपेट का फैक्ट्री, जो प्रोडक्ट हम मांगेंगे, जो क्वालिटी से हम मांगेंगे, वो प्रोडक्ट देने के लिए इतनी बड़ी फैक्ट्री हमारा पास होगा 2020 से ही हमारा जर्नी शुरू होने वाला है. सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द डेटा विच यू नो. इन 2009 वर्ल्ड पोजीशन में डीएक्सएन का पोजीशन 40th नंबर में था. स्लोली स्लोली 2016 में 24 आया, 2017 22 एंड 2018 इट इज इन 15th पोजीशन, द टॉप 15 कंट्रीज इन द वर्ल्ड. डॉक्टर रत्ना जी बोल रहे हैं वी आर इन द टॉप 1 गैनोडर्मा कंपनी. ये 15 कंपनी में गैनोडर्मा कंपनी कुछ भी नहीं है, एक ही कंपनी है, नंबर 1 कंपनी, वो कौन सा है? डीएक्सएन है. So in fact, we are the top number one company in the world, the Ganorama based company. So now we understood DXN kitna tezi se badh raha hai, DXN ka saath private jet hai, ye hai, wo hai, itni badi factories hai, itni badi resorts hai, ye sab theek hai. DXN ka saath utna bada hai, but hamara paas kya hai? Doctor ka paas plane hai, aapka paas itna car hai. Doctor ka paas 20 factories hai, hamara paas kitna ghar hai. सही है ना? अगर हमारा पास वो चीज नहीं रहता है तो डॉक्टर का पास रहकर क्या करेंगे? सिर्फ देख सकते ये मेरा डीएक्सएन बोल सकते और कुछ नहीं हो सकता है. अगर चाहिए यू शुड ग्रो लाइक डीएक्सएन. डीएक्सएन कैसा ग्रो हो रहा है, डीएक्सएन कैसा सफलता के रास्ते में जा रहा है, अगर वो हम सफलता के साथ नहीं जा रहे हैं तो डीएक्सएन कितना भी बड़े हो जाओ उसमें आपका लेना देना कुछ नहीं है. उसमें कोई माने नहीं रखते का. बिकॉज अगर हम भी ग्रो होना चाहिए, सो डू यू वॉन्ट टू ग्रो लाइक डीएक्सएन? आप भी डीएक्सएन जैसा ग्रो होना चाहते हो? Yes. चाहते हो नहीं चाहते हो? Yes. अगर आप चाहते हो, फर्स्ट थिंग फाइंड द रीजन व्हाई डीएक्सएन हैज ग्रोन. डीएक्सएन क्यों ग्रो हुआ इसका कारण आपको पता होना बहुत जरूरी है और उसे डुप्लीकेट करना बहुत जरूरी है. सो यू शुड फाइंड आउट व्हाई डीएक्सएन हैज ग्रोन. अगर मेरी एक्सपीरियंस में
ये कहता है डीएक्शन ग्रो होना का चार फैक्टर है, कितना फैक्टर, बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ चार फैक्टर की हम बात करेंगे। द नंबर वन फैक्टर इज द पीपल, द पर्सन बिहाइंड द शो, या तो डॉक्टर भीमसेन जी, उनका जो विजन था, ये डॉक्टर लिम का खासियत नहीं था, डॉक्टर लिम का जो विजन ले आए थे डॉक्टर लिम डीएक्शन शुरू होने का टाइम, वो विजन था हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। क्या था? हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था। डॉक्टर लिम ने ये नहीं बोला था हैप्पीनेस वेल्थ एंड हेल्थ, डॉक्टर लिम ने ये नहीं बोला था वेल्थ हेल्थ एंड हैप्पीनेस, डॉक्टर लिम ने एक सीक्वेंस ने एक विजन लेकर आया था हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। इसके पीछे का कहानी क्या है, ये विजन का जो पीछे का स्टोरी क्या है? डॉक्टर पहले बोल रहे हेल्थ, हेल्थ कैसा मिलेगा, कैसा मिलेगा, प्रोडक्ट कंज्यूम करो। सो पहला बोल रहे तू प्रोडक्ट कंज्यूम कर, तू तेरे बारे में देख, सही है ना, फर्स्ट हेल्थ तू तेरे बारे में देख। अगर तू ठीक नहीं रहेगा तेरा फैमिली ठीक नहीं रह सकता है, अगर पायलट ठीक नहीं है पैसेंजर सेफ नहीं है, आपका घर को चलाने वाला पायलट आप हो, अगर आप सेहतमंद नहीं रहेंगे तो पूरा उसका असर पूरा फैमिली पे पड़ेगा, अगर आप बीमार हो जाओगे पूरा आपका इनकम का ऊपर वो असर पड़ेगा। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, पहला ख्याल किसका रखना, खुद का, पेशेंट का ख्याल मत रखो, उसे आरजी जेल देने के लिए मत जाओ, पहले ये सोचो तू आरजी जेल खाया या नहीं, सही है ना, अदरवाइज हम तो ना हम समाज सेवक बन जाते हैं, मैं हेल्थ बेच दे, तुझे हेल्थ चाहिए आ जा, तुझे हेल्थ में मदद कर, ऐसा नहीं हूं। सो फर्स्ट यू शुड थिंक अबाउट योरसेल्फ, दैट इज व्हाट डॉक्टर लिम टोल्ड, फर्स्ट यू टॉक अबाउट हेल्थ एंड सेकेंड ही इज टॉकिंग अबाउट वेल्थ। वेल्थ किसके लिए है, खुद के लिए, वेल्थ खुद के लिए नहीं है, वेल्थ मेरी फैमिली के लिए है, पहले तुझे देख फिर तेरा फैमिली को देख, मेक श्योर दे आर सेफ, अगर तू जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा उनको फाइनेंशियली फ्रीडम होना चाहिए, इसलिए कुछ कर। सो पहला चीज यू सी योर हेल्थ, देन यू सी द वेल्थ फॉर योर फैमिली, और थर्ड जो चीज है दैट वी कॉल हैप्पीनेस, हैप्पीनेस कैसा आएगा, हैप्पीनेस तब आएगा जब आपका टीम में कोई बंदा आके बोलेगा सर आपकी वजह से आज मेरी बेटी की शादी हो रहा है, बिकॉज डीएक्सएल इनकम, अगर आप नहीं होते मैं डीएक्सएल में नहीं होता, बिकॉज आपने मुझे स्पॉन्सर किया आज मेरे पास गाड़ी है, आपने मुझे गाइड किया मैं घर ले रहा हूं, आपने मुझे गाइड किया आज मेरे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, वो जो खुशी आएगा ना दैट इज इंपॉर्टेंट, वो तब आएगा व्हेन यू सी योर टीम सक्सेसफुल। So three things are very equally important. First, खुद को देखो. Second, family को देखो. Third, make your team successful. This is the vision behind the health, wealth and happiness. समझ में आ रहा है? So this is the first factor. When you want to do DXL, अगर इसे duplicate करने, जितने leader इसे समझ कर duplicate करने लगे, they become more successful. और उसके लिए DXL has become very successful all over the world. And this is the first vision. And the second thing which made DXL so successful is the product. Product की ताकत इतना है. You cannot compare DXL product with any other thing. Because DXL product को समझना बहुत important है. हम कभी कभी प्रोडक्ट को समझना नहीं चाहते, कभी कभी प्रोडक्ट को गलत पोजीशन में रखते। जब मैं डीएक्सएल में ज्वाइन किया, डॉक्टर रत्ना नोन प्रोफेसर नोज दिस वन, जब हम डीएक्सएल में 2001-2002 में थे, हमारा डीएक्सएल ऑफिस में एक लंबा लाइन खड़ा रहा था, सबका पास एक टोकन होगा, पता है वो टोकन किसके लिए, डॉक्टर को कंसल्ट करके प्रोडक्ट लेके जाने के लिए, पूरा मरीजों के लिए। ताली मत बजाओ, ये थोड़ा शर्म के, पूरा मरीजों की नहीं, बिजनेस बढ़ा, बिजनेस बढ़ा, बिजनेस बढ़ा, बहुत तेजी से बढ़ा, बस दो तेजी से बढ़ने के बाद एक तीन साल का बाद बिजनेस जाके रुका, वहां से बिजनेस हिल नहीं रहा, बिकॉज पूरा मार्केट क्या हुआ, पेशेंट की वजह से हुआ, पूरा डीएक्सएल का पोजीशन कैसा हो गया, डीएक्सएल का प्रोडक्ट को लेकर सब दवाखाने में रखना शुरू कर दिए, बोले दादाजी का दवा है हाथ मत लगा। You know, they put this one into the medicine category में उन्होंने रख दिया, फिर management को और leaders को 5 साल लगा वो product को वो shelf से लेकर dining table में ले आने में, दूरी उतना नहीं था but 5 साल लगा वो product वो shelf से dining table में आने तक, लोगों को ये समझाने,
ये प्रोडक्ट मेडिसिन नहीं है, ये प्रोडक्ट तुम्हारे लिए खाना है। When people understood this one, जब लोगों को ये समझ में आ गया ये product is on the cellular nutrition, then वहां से duplication होना शुरू हुआ। So DXN का growth के पीछे बहुत बड़ा हाथ किसका है? DXN product का है। So DXN का product, I always tell, it has to be tied with the cellular nutrition। इतना ज्यादा आपको दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, because एक बार आई अटेंडेड डॉक्टर लिन का एक प्रोग्राम था, डॉक्टर लिन ने बोले थे व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट के बारे में आप बात करेंगे, एक चीज समझ में रखना, ध्यान में रखना, कभी भी लोगों का क्वेश्चन में उनका जगह में जाकर आंसर नहीं देने का। इसका मतलब कोई लोग बोल रहा है सर मुझे ये बीमारी है वो बीमारी है, उनका क्वेश्चन का अंदर मत जाओ, उनको आपका एरिया में लेकर आओ। आपका एरिया है सेल्यूलर न्यूट्रिशन। एक बात समझो, कोई भी बंदा बीमार आज हो रहा है और कल बीमार होगा, उसका कारण एक ही है, उसका सेल को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। अगर ये बात समझ में आ गया, यू विल मास्टर इन द प्रोडक्ट। इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये समझो अगर तुम्हारा बाल झड़ रहा है या स्किन खराब है, बच्चा नहीं हो रहा है, कैंसर हो रहा है, एड्स हो रहा है, सबका प्रॉब्लम एक ही हो सकता है, अदर देन एक्सीडेंट योर सेल इज नॉट गेटिंग ए प्रॉपर न्यूट्रिशन। If you give nutrition to your cell will take care of your entire system. सिर्फ अगर ये मुझे समझ में आ गया, then I become a good gynecologist. No, because जब मैं पहले पहले बांग्लादेश जा रहा था, लोगों आ रहे थे, you know, when I go, वहां पे ऐसे ही हुआ था, मेडिसिन के बारे में लोग आ रहे थे, they come and show the scan report, medical report, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, मैं तो देख रहा था, मेरा स्टाफ बोल रहा था सर उल्टा देख रहे हो एक्सीडेंट आ गया, बट मुझे उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट ये समझ मुझे आया था तेरा क्या भी प्रॉब्लम है उसका वजह एक ही है, क्या है? तेरे का सेल का अंदर लफड़ा, सेल को खाना नहीं मिल रहा है, वो खाना मेरा पास है। बट सुनना उनको अच्छा लगता है, कोई बंदा आके बोलता है ना, सुन लो, समझ में आता है नहीं समझ में आता है सुन लो। डॉक्टर का 50% काम यही है, बेसिकली बताऊ सुनना, 95% काम यही है, ये सुन देना, सुनकर ठीक हो जाएगा करके बोलते ना, वो काम करता है। दवा तो 5% का काम है, जो सुनना उनको भरोसा दिलाना 90% काम करता है। कोई भी आदमी मेरा डीएक्शन के बारे में बोलता है, इतना सेमिनार लेने का बाद फिर भी आके पूछेगा ये इसके लिए काम करेगा क्या, इसका डोसेज क्या हो सकता है, फिर भी मैं सुनता हूँ, हाँ सुन के अच्छा 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 सब ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है तेरा, सेल को खाना नहीं मिलता है, इस इतना ही, तू सेल का खाना खा ले। एक ही खाना है दुनिया में, एक खाने का अंदर 400 न्यूट्रिशन है, इससे ज्यादा न्यूट्रिशन कोई अगर खाना में है वो तो ध्यान रखना है। ये समझ आ गया, देन यू बिकम द मास्टर ऑफ द प्रोडक्ट। सो डीएक्सएन का सक्सेस का पीछे और एक बड़ा कारण है डीएक्सएन का प्रोडक्ट। और थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द डीएक्सएन मार्केटिंग प्लान, द वन ऑफ द मोस्ट सिंप्लीफाइड मार्केटिंग प्लान इन द इंडस्ट्री इज डीएक्सएन मार्केटिंग प्लान। यहां पे एंट्री भी इजी है, एग्जिट भी इजी है, यहां पे कोई दबाव नहीं है, अगर आएगा तुझे ये परचेस करके ही आना है, इतना दिन आप डीएक्सएन में आप काम करना ही है, नथिंग, यू कैन कम एंट्री इजी और यू कैन एग्जिट इजी, इसमें कोई दबाव नहीं है। सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट सिंप्लीफाइड मार्केटिंग प्लान। लोग बोलते हैं सर इसमें शुरुआत में पैसा नहीं आता, बोलते या नहीं बोलते, वो एक परसेप्शन है, जो समझ नहीं आता है उनको वही बोलते हैं यहां पर शुरुआत में। अगर आप करेक्ट से पोजीशन कर लेंगे, यू हैव टन्स ऑफ मनी इन द सिंप्लीफाइड मार्केटिंग प्लान। अगर और एक बार आप मार्केटिंग प्लान को देखना, शुरुआत में आपको ज्यादा पैसा ये सिंप्लीफाइड मार्केटिंग में बहुत ज्यादा है। ओके, सो वन ऑफ द मोस्ट सिंप्लीफाइड प्लान। सो तीन कारण मैंने बोल दिया, वन इज द विजन द पीपल, एंड सेकंड इज द प्रोडक्ट, एंड थर्ड इज द प्लान, एंड फोर्थ क्या है? ड्रीम। चारवां फैक्टर जो डीएक्सएन को बहुत ताकतदार, द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग बनाया, वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीन लोग बात करते हैं बट ये चारवां चीज किसी को पता नहीं है, बट होता ही रहता है, वही चीज डीएक्सएन को बहुत ही ताकतदार एक कंपनी बनाया, वो है
द फोर्थ फैक्टर इज अ चैलेंज. 25 साल का जो डीएक्शन सफर में दुनिया में कितना भी चैलेंजेस है, ये सब चैलेंजेस को डीएक्शन ने देख लिया. कभी होता है गवर्नमेंट से प्रॉब्लम, कभी होता है टैक्स से प्रॉब्लम, कभी होता है करेंसी से प्रॉब्लम, कभी होता है कस्टम से प्रॉब्लम, कहीं ट्रांसपोर्टेशन से प्रॉब्लम, कहीं रॉ मटेरियल में प्रॉब्लम, कहीं लीगल में प्रॉब्लम, कहीं डायरेक्ट सेलिंग लॉ में प्रॉब्लम. कितने प्रॉब्लम थे दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग में, जितना भी प्रॉब्लम था ना, सब प्रॉब्लम ने डीएक्शन ने सीख लिया फॉर द पास्ट 25 इयर्स. द मेन थिंग इज ये चैलेंजेस जब डीएक्शन का सामने आया था, वो चैलेंजेस को डीएक्शन ने कैसा हैंडल किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चैलेंजेस सबको आता है. आपका पास चैलेंज है? Yes. है या नहीं? Yes. किसी किसे शादी हुआ? चैलेंजेस का साथ ही जीता. चैलेंजेस सबका पास है, बट कुछ लोग चैलेंजेस से हार मान जाते हैं, कुछ लोग चैलेंजेस को यूज कर आगे बढ़ते हैं. सो चैलेंजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू ट्रीट योर चैलेंजेस. सो एक स्पीकर ने बोला, व्हाट चैलेंजेस कैन डू, चैलेंजेस आपका साथ क्या कर सकता है. जो चुनौती आपका लाइफ में आता है, जो चुनौती डीएक्शन का साथ आया था, वो चैलेंजेस आपको क्या कर सकता था. चैलेंजेस 3 चीज कर सकता था. नंबर 1, इट विल मेक यू और इट विल ब्रेक यू. वो आपको मजबूत बना सकता है या आपको तोड़ सकता है, ये चैलेंजेस. बट हाउ यू सी द चैलेंजेस. अगर चैलेंजेस के साथ आप सरेंडर हो जाएंगे, वो आपको तोड़ देगा. बट चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे, इट विल मेक यू एज ए न्यू स्ट्रांग मैन. चैलेंजेस क्या कर सकता है, इट विल मेक यू मेंटली स्ट्रांग और स्ट्रांगली मेंटल. सही ना, आपको इतना ताकतदार मजबूत बनाएगा आपका दिमाग को, वो भी कर सकता है और आपको पागल भी कर सकता है चैलेंज. आज लोग पागल क्यों होते हैं? क्योंकि उनका सामने जो चुनौती आया था, वो चुनौती को सामना वो नहीं कर पाए, इसलिए पागल हो गए. बिजनेस में लॉस हो गया, स्टॉक क्रैश हो गया, रियल एस्टेट लॉस हो गया, लवर छोड़ के चली गई, पागल. अरे छोड़ देना, पॉपुलेशन कितना बड़ा है इंडिया में, उसका जब चैलेंजेस को हैंडल नहीं कर पाया. बिकॉज दे अनेबल टू हैंडल द चैलेंजेस, दे बिकम मैड. और चैलेंजेस क्या कर सकता था, और 3 चीज चैलेंजेस कर सकता है, इट विल गिव यू एंडलेस होप और होपलेस एंड. लोग कमिट सुसाइड. सीसीडी का स्टोरी तो आपको पता है, सीसीडी का इतना बड़ा अरबों करोड़ों का मालिक, ही कमिटेड सुसाइड बिकॉज ही अनेबल टू फेस द चैलेंजेस. एंड देर आर फ्यू पीपल हु कैन फेस द चैलेंजेस, हु कैन ओवरकम, विच विल गिव देम द एंडलेस होप. एंड माई डियर फ्रेंड्स, दिस आर ऑल द केस हिस्ट्री फॉर डीएक्शन. डीएक्शन में अगर देखेंगे, हर एक कंट्री में एक नया नया कहानी है. नेपाल का आप उठा लो, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है. अगर नेपाल की बात हम करेंगे, डीएक्शन इंडिया और नेपाल एक ही टाइम शुरू हुआ था इन 1999 और 2000 में. इंडिया शुरू होने के बाद इमीडिएटली नेपाल भी शुरू हो गया है. इंडिया जितना तेजी से बढ़ रहा था, उतना तेजी से नेपाल भी बढ़ रहा था. 3 साल में इतना तेजी से बढ़ाया डीएक्शन, जो डीएक्शन का साथ लीडर जुड़े थे, इतना उनका इनकम डबल ट्रिपल होने लगा. जो बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस को छोड़ दिया. जो काम कर रहे थे, काम को छोड़ दिया, जॉब को रिजाइन कर दिया, सब फुल टाइम डीएक्शन में आ गए. 3 साल में इतना सक्सेस पा गया डीएक्शन. बट 3 साल का बाद, आई थिंक इन 2004 और 2005, नेपाल गवर्नमेंट हैज टोल्ड डायरेक्ट सेलिंग नेपाल में नहीं चलेगा, सब बंद करो, सब बंद करो, एवरीथिंग हैज टू बी क्लोज डाउन. जितने भी कंट्री, जितने भी कंपनीज था वहां पे, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, उन्हें बिस्तर बांध के वहां से निकल गया. बट डीएक्शन ने नेपाल गवर्नमेंट से पूछा, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम डायरेक्ट सेलिंग है. और डीएक्शन ने पूछा, प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारा प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, तुम प्रोडक्ट बेच सकते हो, बट यू कैन नॉट डू डायरेक्ट सेलिंग एक्टिविटी. देन डीएक्शन ने बोला, ओके, वी विल नॉट डू एनी डायरेक्ट सेलिंग एक्टिविटी, बट हम यहां पे प्रोडक्ट बेचेंगे. जैसा नॉर्मल रिटेल में हम यहां प्रोडक्ट बेचते हैं, वैसे ही हम यहां पे बेचेंगे. बट उनका बोनस मलेशिया में अकाउंट होगा, मलेशिया से डायरेक्ट हम मेंबर को बोनस बनाएंगे और नेपाल से नहीं. कुछ कंपनी को तोड़ दिया, वो चैलेंजेस कंपनी को बनाया.
मजबूत बनाया, इतना मजबूत बनाया डीएक्सएल को। अभी देखिए डायरेक्ट सेलिंग रूल ऑलरेडी पास हो गया है, रेगुलेशन अभी कैबिनेट में है, ये महीना या नेक्स्ट मंथ जब कैबिनेट पास हो जाएगा ये एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है नेपाल में विद द डायरेक्ट सेलिंग, बिकॉज लोग अभी बहुत भूखे हैं, सेमिनार कंडक्ट नहीं कर सकते, चार पांच लोग इकट्ठा कर मार्केटिंग प्लान शो नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बट फिर भी बिजनेस हो रहा है। बॉर्डर से ले आकर 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 प्रोडक्ट ले जाकर जाकर प्रोडक्ट बिकता है, और उन 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का हर दिन लोग प्रोडक्ट ले जाते हैं यूपी बॉर्डर से और हमारा बिहार बॉर्डर से ले जाते हैं, कुछ कस्टम ले जाता है, कुछ पैसा देके छुड़ा के ले जाते हैं, बट बिजनेस हो रहा है, चैलेंजेस उनको कुछ नहीं कर पाया। सो दिस इज व्हाट वी हैपन इन नेपाल, इन अफ्रीका, इन लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका जो बोल रहे इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस है, बट डीएक्सएल जब वहां पे गया था 2 साल शुरुआत में बोल रहे थे बड़ा सेमिनार, थियोसार भी थे, बड़े बड़े सेमिनार हुआ था, लैटिन अमेरिका शुरू हो रहा है, लॉट ऑफ पीपुल केम, मेंबरशिप साइन हो गया, अगले महीना शुरू होगा, बट अगले महीने रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, अगले महीना शुरू होगा और एक भी मिला, ऐसा करके करके ये 1 साल रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, 2 साल रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, सिर्फ ज्ञानोदय भी चल रहा था, आरजीजीएल की बात चल रहा था, स्पाइरुलिना की बात चल रहा था, बट कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, सिर्फ सेमिनार चल रहा था, रजिस्ट्रेशन हो रहा था, मेंबर बन रहे थे, मेंबर बन रहे थे, 2 साल का बाद कंपनी रजिस्टर हो पाया, गवर्नमेंट ने कंपनी को अलो किया, बट कंपनी ने बोला आरजीजीएल इंपोर्ट नहीं कर सकते, जो 2 साल लोगों ने सिखाया था सिर्फ आरजीजीएल के बारे में, बट 2 साल के बाद उनको क्या समझ में आ रहा है आरजीजीएल नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ आपका कॉफी आ सकता है, ब्लैक कॉफी और 3-in-1 कॉफी, सिर्फ एक ही कॉफी को हम अप्रूव करेंगे। तो लोग कुछ लीडर थे जो मजबूत नहीं थे वो छोड़ के चले गए, बट कुछ लीडर डीएक्सएल का साथ थे, उन्होंने सोचा आरजीजीएल तो कॉफी में भी है तो को हम कॉफी बेचेंगे, अभी कॉफी में ज्ञानो चर्ची करेंगे, कॉफी बेचना शुरू हुआ। जब हो रहा था फिलीपींस बोल रहे थे हर महीना फिलीपींस यूज कर रहा था 5 कंटेनर सिर्फ कॉफी बेच रहा था वो टाइम फिलीपींस, लोग सब देख रहे थे फिलीपींस में कितनी कॉफी क्या कर रहे हैं 5 कंटेनर हर महीना में, बट वो रिकॉर्ड पेरू मेक्सिको बोलिविया ने तोड़ा बिकॉज ऑफ दिस चैलेंजेस, आज हर महीना 50 कंटेनर कॉफी सिर्फ लैटिन अमेरिका पी रहा है, बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस मेड देम वेरी स्ट्रॉन्ग, सो इंपैक्ट ऑफ चैलेंजेस, सो बिकॉज ऑफ दिस चैलेंजेस एंड डीएक्सएल हैज बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी इन डीएक्सएल वर्ल्ड, एंड बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस डीएक्सएल हैज बिकम द बोल्डेस्ट कंपनी इन द इंडस्ट्री, एंड बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस डीएक्सएल हैज बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैसेज फ्रॉम डीएक्सएल, ये स्टोरी से एक मैसेज आपको डीएक्सएल दे रहा है, डोंट टेल डीएक्सएल से ये मत बोलना मेरा चुनौती कितना बड़ा है, आप तुम्हारा चुनौती से ये बोलो मेरा